इंडिया जो हमसे आगे निकल गया है ना, वो देखें उन्होंने अपनी यूथ को थोड़ा सा वो किया है, एस्टेब्लिश किया है और उनको सपोर्ट किया है। आईटी सेक्टर में सबसे ऊपर है इंडिया, आप देखें स्पेस में नासा में भी है, ऐसे ही है। और आप मिशन मून लॉन्च किया चंद्रयान, हाँ अभी गूगल का सीईओ भी आपका इंडिया का ही है। डेवलपमेंट के हिसाब से तो भाई मुंबई तो बहुत काफी ही आगे है। इन्होंने जो चंद्रयान मिशन भेजे इंडिया का भेजे, हम लोग उतने के तो मांग रहे दूसरे ममालिक से कि हमें इतने मिल जाए। और फिर बड़े ढिठाई से हम ये भी कहते हैं जैसे उनका चंद्रयान 2 उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ तो हम ये कहते हैं वो नाकाम हो गया। देखो हमें खुश होना चाहिए भाई, हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हमें तरक्की में एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे की अल्लाह ना करे भाई क्या है, खाली एक लकीर ही तो खींची हुई है बॉर्डर। मुंबई तो मैंने देखा नहीं है लेकिन बहरहाल जो टीवी वगैरह पे देखा है तो उधर हो सकता है कि डेवलपमेंट बेहतर हो। हाँ ठीक है, तो लाहौर के अलबत्ता मुझे कन्फर्म है पता क्योंकि जाते रहते हैं, लाहौर नो डाउट कराची से कहीं ज्यादा आगे तरक्की के अंदर है। आप यहाँ की पाकिस्तान स्टडीज की बुक दिखा दें तो हमारे बंदे सारे हमारे हीरो लगते हैं। आप इंडिया की कभी स्टडीज ये वाली पढ़ लें तो आपको इंडिया के बंदे सारे इंडिया के हीरो लगेंगे, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे वही समझेंगे। भाई अल्लाह ना करे मैं नफरत नहीं करता वहाँ की आवाम से, अब ना वहाँ की आवाम हमसे नफरत करती है। अगर मेरे को कोई बताए ना कि इंडिया को कल होना चाहिए, मुझे उसको खत्म कर दो तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। भाई इंसान है यार वहाँ पे भी, ये कोई बात थोड़ी है, नेबर कंट्री है, क्या हो गया भाई वो आप लोग साथ मिलकर रहो, कारोबार करो। और इंडिया जो हमसे आगे निकल गया है ना, वो देखें उन्होंने अपनी यूथ को थोड़ा सा वो किया है, एस्टेब्लिश किया है और उनको सपोर्ट किया है। आईटी सेक्टर में सबसे ऊपर है इंडिया, आप देखें स्पेस में नासा में भी है, ऐसे ही है। और आपने मिशन मून लॉन्च किया चंद्रयान, हाँ अभी गूगल का सीईओ भी आपका इंडिया का ही है। और इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान ही में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, पाकिस्तानी में उससे शायद हो सकता है उतना ही है, उससे ज्यादा टैलेंट है, लेकिन आप उनको सपोर्ट तो दें, आप उनको वो तो दें। आपने ये देखें कि इस साल 2022 या 23 में आईटी एक्सपोर्ट्स जो होती है वो 2 से 2.5 बिलियन कर ली है, 2.5 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट कर लिए। तो आप अपने यूथ को थोड़ा सा सपोर्ट दें, थोड़े इंस्टीट्यूट आईटी के रिलेटेड खोलें कि वो इसमें जाएं, ये सारी चीजें वेब डेवलपमेंट। मैं समझता हूँ कोई भी फील्ड है, किसी कोई डॉक्टर, किसी के इंजीनियरिंग के हवाले से अगर फील्ड है, किसी के कोई भी इवन स्पोर्ट्स के हवाले से कोई वो अपना फील्ड में है, तो हर फील्ड में गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से वो आगे गए हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। मतलब गवर्नमेंट भी तो हम में से ही बनती है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ना, देखें यहाँ पे भी टैलेंट निकलता है, उभर के ऊपर आता है, ऊपर आके वो कहाँ चले जाते हैं, पूरा टैलेंट दूसरे मुल्क में जाके सर्विसेज दे रहा है, हमारे मुल्क में सर्विसेज, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर हो, बड़ी लेवल के आप पोस्ट देखें ना कहाँ पे सर्विस दे रही है, कराची में, पाकिस्तान में सर्विस दे रही है, या फिर दुबई में जाके, या इंग्लैंड में जाके, या ऑस्ट्रेलिया में जाके यहाँ पे सर्विसेज दे रही है अपनी, वो है टैलेंट, यानी क्रीम टैलेंट हमारा निकल के बाहर आके बाहर चला जाता है, यहाँ पे नहीं रहता। तो क्या पाकिस्तान के लिए काम नहीं हम करना चाहते, या पाकिस्तान में उस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं है? हम काम करना चाहते हैं, हमें हर चीज में एक तो स्टक कर देते हैं कि यहाँ पे जो निज़ाम आपने देखे डेवलपमेंट के हवाले से, हम यहाँ पे एक हमारा दिमाग बाउंड हो जाता है कि हम क्या करें, और दूसरा ये हो जाता है कि यार हमारे ऊपर टैक्सेशन इतनी इम्पोज कर दी जाती है कि हम क्या करें। एक बंदा अगर 10 लाख भी टैक्स दे रहा है तो उसको एक प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, एजुकेशन मिल रही। आप दूसरे मुल्क में जर्मनी में चले जाएं, फ्री एजुकेशन और इतनी बेहतरीन क्वालिटी की एजुकेशन के बंदा बोलते हैं कि प्राइवेट में ना पढ़ा है, गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट में पढ़ा है, यहाँ के वहाँ पे जाते हैं गवर्नमेंट में पढ़ते हैं और फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं। आपसे बात करूंगा, बड़ा मजा आ रहा है। इन्होंने नमाज के लिए आई थिंक जाना है, तो इनसे लास्ट में बस मैं ये पूछूंगा आप क्या सोच रखते हैं, मतलब इन्होंने बताया कि भाई वो अगर गए हैं तो उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है, या इस तरीके से आप भी यही सोच रखते हैं कि प्लेटफॉर्म मिलता है या कहीं ना कहीं है? तो मैं भी यही रखता हूँ कि बाहर सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती है, इंडिया की खासतौर पर, इंडिया की भी देखा जाए तो अच्छी मिलती है, लेकिन जर्मनी वगैरह वहाँ पे मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ की आवाम की भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो टैक्स भी तो नहीं देती ना, अभी टैक्स देगी तो गवर्नमेंट कुछ कर सकेगी ना, लेकिन आवाम टैक्स क्यों दे, उनको गवर्नमेंट पे भरोसा ही नहीं हमारी। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी ने अपने 5 साल पूरे नहीं करे भाई, वजीर आजम ने, कि कोई एक, और हमारे जितने पॉलिटिशियंस आते हैं वो सब कुछ भी आते हैं, वो भी अगले 5 साल की तैयारी करते हैं भाई, आप 5 साल नहीं, आप 25 साल का सोचो, यूथ का सोचो, आवाम का सोचो जो तरक्की करेंगे। मुझे ये बताएं अगर इंडिया आगे गया है डेवलपमेंट में, आईटी में, टेक्नोलॉजी में, जिस फील्ड में भी, तो क्या वो सिर्फ उनकी गवर्नमेंट की वजह से आगे गया है? कराची के लोग इसके ऊपर क्या सोच रखते हैं, यानी कि इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट बेहतर होने की वजह से, वहाँ के पॉलिटिशियन बेहतर होने की वजह से आगे गया है, कि कहीं ना कहीं उनकी यूथ, उनके जो उनसे लोग हैं पॉलिटिशियंस, वहाँ के, अब मैं क्या बोलूँ, हद से ज़्यादा बहुत ख़राब पॉलिटिक्स हैं, और जो मैं देख रहा हूँ ना, तरक्की वो बेशक कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे जिस लेवल की करप्शंस होती हैं ना, ठीक है, तो पॉसिबल है वो आगे फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस देखें, ठीक है, क्योंकि करप्शन वहाँ पे
एक हद से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उनका जो सिस्टम है, जो उनका जो सारा प्रोसीजर है सिस्टमेटिक वे में हो चुका है, उनका उनकी जो उनसे अकाउंटेबिलिटी है काफ़ी बेहतर है शायद इस वजह। और दूसरे नंबर पे उनकी अगर करप्शन होती भी है कहीं ना कहीं कंट्री में रहती है, हमारे यहाँ से बाहर करप्शन होती है लेकिन वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट, मतलब वो मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं प्रॉफिट के हवाले से बात करूंगा, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी इतना बड़ा है कि उनकी करप्शन इतनी ज़्यादा नुमाया नहीं होती। हमारे यहाँ तो अब ये मिसाल है ना, इन्होंने जो चंद्रयान मिशन भेजा है इंडिया वाले का भेजा है, हम लोग उतने की तो मांग रहे दूसरे मुमालिक से कि हमें इतने मिल जाए। और फिर बड़े ढिठाई से हम ये भी कहते हैं जैसे उनका चंद्रयान 2 उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ तो हम ये कहते हैं वो नाकाम हो गया। वो देखो हमें खुश होना चाहिए भाई, हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हमें तरक्की में एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे की, अल्लाह ना करे भाई क्या है, खाली एक लकीर ही तो खींची हुई है बॉर्डर, ऐसे ही है बाकी। तो कराची की अगर खासतौर पे बात करें, बड़ी तादाद में लोग कराची में जो लोग इस टाइम रहते हैं जिन्हें मुहाजिर कहा जाता है वो इंडिया से जो है वो माइग्रेट करके आए यहां पे हैं भाई। अल्लाह ना करे, मैं नफरत नहीं करता वहाँ की आवाम से, अब ना वहाँ की आवाम हमसे नफरत करती है। अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि इंडिया को कल होना चाहिए, मुझे उसको खत्म कर दो, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ भाई। इंसान है यार वहाँ पे भी, ये कोई बात थोड़ी है, हमारा नेबर कंट्री है, क्या हो गया भाई। वो आप लोग साथ मिलकर रहो, कारोबार करो, सब कुछ करो, लेकिन बस लेकिन कारोबार, आप तो एक बिजनेसमैन है, ट्रेड हमारी तरफ से बंद की गई है इमरान खान साहब के दौर में, तो क्या आप समझते हैं वो नुकसान हमें हुआ, कराची वालों को हुआ, लाहौर वालों को हुआ या फिर इंडिया वालों को हुआ? कराची को ही हुआ, पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ ना भाई, उनका तो दूसरे मुमालिकों से सब जगह चल रहे हैं, हम लोग कटे पड़े हुए दुनिया से। यही चीज है, चले आपने नमाज के लिए जाना है। अच्छा मुझे लास्ट में आप भी ये बताएं कि अगर बिजनेस के हवाले से बात कीजिए, इनकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, और कराची के लोगों की मुझे सोच काफी हद तक, मतलब ये भाई की सोच बड़ी पसंद आई है कि भाई अगर कोई पाकिस्तान में ये कहता है कि इंडिया कल खत्म हो जाए या इस तरीके से कुछ हो तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बड़ी अच्छी बात की है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, ये नफरतें या ये दूरियाँ, ये बिल्कुल साथ, मतलब लाहौर से बिल्कुल साथ या कराची से भी? इवन जो लोग कहते हैं ना कि हम इंडिया को ख़त्म कर दें और ये कर दें, तो वो लोग पहले तो ये जान लें कि इंडिया में जितने हिंदू नहीं उससे 3 गुना ज्यादा मुसलमान हैं पाकिस्तान की निस्बत, पाकिस्तान की निस्बत। वैसे तो इंडिया में हिंदू जो 100 करोड़ से ऊपर है और मुसलमान तकरीबन 30-35 ऑलमोस्ट पाकिस्तान की निस्बत, पाकिस्तान की निस्बत डबल मुसलमान है। यानी आप देखेंगे आप हिंदुओं को मार रहे, मुसलमानों को मार रहे, एक इंसानियत को भी मार रहे। जबरदस्त, ऐसे आप क्या करना चाह रहे हैं आप, ये मुझे समझ नहीं आती। ये सोच डेवलप कैसे की गई? ये सोच डेवलप्ड हमने खुद की, हमारे अंदर लाई गई है बड़े पॉलिटिशियंस के थ्रू, हमारे अंदर लाई गई है, हमें दुश्मनी बनाई गई है, दिखाई गई है, सिखाई गई है, सिखाई गई है। आप यहाँ की पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक दिखा दें तो हमारे बंदे सारे हमारे हीरो लगते हैं। आप इंडिया की कभी स्टडीज़ ये वाली पढ़ लें तो आपको इंडिया के बंदे सारे इंडिया के हीरो लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे वही समझेंगे। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें देखें और अगर रियलिटी को देखें तो शायद कई ऐसे हीरो हैं जिन्होंने, जिनको हमने ज़ीरो बना रखा है, और कई ऐसे हीरो हमें, हम बना रखे हैं जो कि हमारे असल में हीरो है ही नहीं, वो इवन इस एरिया के ही नहीं लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिनको हमने हीरो बना लिया है लेकिन वो हमारे हीरो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात ये है कि ये भाई सोच बदलेगी या नहीं बदलेगी? ये सोच तो आवाम अपनी खुद बदल सकती है, देखिए आवाम बदल भी रही है मेरे ख्याल से। नहीं बदल रही है आवाम, आपकी सोच नहीं, आपने, मैं आपकी सोच से एग्री करता हूं, तो आपकी सोच कैसे बदली? देखें यहां पे लिटरेसी लेवल भी तो अप होना चाहिए ना, यहां पे एजुकेशन भी तो लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए ना। हर बंदा आप 10 लोगों को पकड़ के देख लें तो 2 बंदे एजुकेटेड मिलेंगे, यानी 80% इलिटरेटी सीट चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल, तो आप एजुकेशन तो दें, आप हॉस्पिटल्स तो बनाएं, आप एक कदम तो आगे बढ़ाएं, या आप सारा बजट जो है एक साइड कर देते हैं और वहाँ पे हमारे तहफ़ के लिए बंदे लगा देते हैं, जैसा कि आप लोग देख लेते हैं कि भाई हमारा तहफ़ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, फिर हमारा खाना पीना ज़रूरी नहीं होता भाई। खाना पीने से भी तो बंदा ज़िंदा रहता है ना, जैसे जितना तहफ़ चाहिए उतना खाना पीना भी चाहिए, उतनी बाकी फैसिलिटीज़ भी चाहिए बंदे को। अच्छा कैसे आप क्या समझते हैं कि यानी कि अगर रिलेशन बेहतर होते हैं, जैसे ये भाई बिजनेस मैन थे, इन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि भाई नुकसान तो हमें हो रहा है, उनका माल तो फिर कभी किसी कंट्री में जा रहा है, कभी किसी कंट्री में रुका नहीं है, इवन वो खुद अपनी मर्ज़ी से कहते हैं कि भाई अभी इस टाइम हमारे पास शॉर्टेज हो सकती है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इसलिए हम नहीं दे रहे। नुकसान एक का नहीं हो रहा, नुकसान दोनों का हो रहा है, और नुकसान इंडिया की साइड से भी हो रहा है, पाकिस्तान की साइड से भी हो रहा है, नुकसान दोनों का हो रहा है। देखें हमें अगर इस तरीके से ट्रेड के हवाले से देखें तो सारे मुल्कों से ट्रेडिंग एक्सपोर्ट्स, खास तौर पे एक्सपोर्ट्स हमें फुल ऑन रखनी चाहिए, इम्पोर्ट्स जो है वो हमें थोड़ी सी कम करनी चाहिए, जिस तरीके से हमारे जो आप देखें ना यहाँ पे उल्टा है,
यहाँ पे आवाम अमीर है और गवर्नमेंट गरीब है। ठीक है, इंडिया में गवर्नमेंट अमीर है, आवाम गरीब है। आप कह नहीं देखें, ये मुझे अक्सर पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट दी जाती है कि पाकिस्तान में आवाम अमीर है और गवर्नमेंट गरीब है, जबकि इंडिया में गवर्नमेंट अमीर और आवाम गरीब है। लेकिन वहाँ पे दुनिया के अगर टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो उनमें से एक दो तीन, टॉप 10 की नहीं देखें ना आप, एवरेज देखें, एवरेज कैलकुलेट करें आप, 10 को उठा लेंगे तो बाकियों को देखें कि वहाँ पे आवाम है कितनी, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटीज नहीं है, टाइम वहाँ पे ये भी तो सब चीजें नहीं है ना, नो डाउट वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अभी दो तीन दिन पहले या चार दिन पहले की रिपोर्ट आई है, इंडिया में 10% पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज हुई है। कुछ टाइम पहले IMF की रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी तो 1% से भी कम रह चुकी है। अगर आप कह रहे हैं ना न्यूज आई होगी, बिल्कुल न्यूज तो आती रहती है कि भाई हर बंदा अब की तरफ जाना चाह रहा है ना यार, अब की तरफ जाना चाह रहा है। अब मेरा ये पास 9 है तो मैं 8 करने की चाहूंगा, 7 पे जाने बेहतर से बेहतरीन करूंगा ना, अब मैं नीचे की तरफ तो नहीं चाहूंगा ना। ये यहाँ पे तो कंट्री है जो नीचे की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, और वो मैं खाली पॉलिटिशियंस को नहीं बोलूंगा, आवाम का भी थोड़ा सा मसला है। आप लाहौर में देखें तो सुबह दुकानें खुल जाती हैं 8-9 बजे, यहाँ पे दुकानें खुलती हैं 12-1 बजे। ठीक है यहाँ भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, लेकिन ओवरऑल हमें ये कानून बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। देखें इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे इतना जो मसला चल रहा है, बिल्स वगैरह आ रहे हैं, इशू आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है तो एक कानून ऐसा होना चाहिए कि सेम टाइम पे दुकान खुले और सेम टाइम पे कानून के, यहाँ पे कानून कोई फॉलो नहीं करता। पाकिस्तान से कोई दुबई जाएगा तो एक एक कानून फॉलो करना पड़ेगा उसको, वो करेगा यहाँ पे कराची में, वो यहाँ पे थूकेगा, यहाँ पे कचरा फेंकेगा, यहाँ पे कोई कानून नहीं फॉलो करता। वो बाहर मुल्क जाएगा तो वही बंदा जो यहाँ पे कानून फॉलो नहीं कर रहा वहाँ फॉलो करेगा। फॉलो यहाँ पे क्या यूनिट चल रहा है अगर आपको पता हो, एवरेज इलेक्ट्रिसिटी का एवरेज यूनिट चल रहा है यहाँ पे 32 रुपए, 32 टैक्स वैक्स लगा के ऊपर भी पहुंच जाता है, और ये बिलिंग पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कमर्शियल है तो उसका और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, ये 32 रुपए चल रहा है। मैं खुद भी एक बड़ी बिलिंग अदा करता हूं तो मुझे पता है हमारा बिल जो है कंपनी का तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास आता है, तो मुझे पता है कि इस तरीके से 32 से 40 रुपए भी चलता है, 40 रुपए भी चलता है। बहुत अच्छा लगा जी इनसे बात करके, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि मतलब खासतौर पर ये भाई ने जो बात की, इन्होंने जो बात की कि हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए, और इसमें सिर्फ हम हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, पब्लिक का भी काफी हद तक कसूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद अदनान कुरैशी। क्या करते हैं आप? बिजनेस। बिजनेस करते हैं, जबरदस्त। और बिजनेस के हवाले से ही कराची जाना जाता है, लेकिन मैं लाहौर से आया हूँ, नाम बहुत सुना था, सिटी ऑफ लाइट्स और ये चीजें सब, लेकिन बिल्डिंग्स ऊंची होने के अलावा डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मुझे एज सच डेवलपमेंट लाहौर के कंपैरिजन में नहीं नजर आई। और इवन कभी तो कराची और मुंबई एक होता था, आज मुंबई और कराची में डिफरेंस अगर देखेंगे वो कितना देखते हैं, और लाहौर और कराची में डिफरेंस क्या देखते हैं, और इसकी रीजन क्या है? लाहौर और कराची में डिफरेंस सबसे बड़ी रीज़न है यहाँ के हुक्मरान। ठीक है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट जो है वो कोई काम नहीं कर पाती, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ते बहुत शॉर्ट हो गए, पार्किंग प्लाजाज है नहीं, इस वजह से पब्लिक को बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ के हुक्मरान ये चाहते हैं कि आवाम जो है वो बस दबी रहे मसाइल में, ताकि किसी और मसले पे आवाज़ ना उठा सके। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, और पूरी दुनिया में अगर बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान का नाम जाता है तो कराची का नाम सबसे पहले आता है पाकिस्तान को लेके, तो यहाँ पे उस तरीके से क्यों नहीं फोकस किया जा रहा? फिर दूसरा मेरा सवाल था बम्बई को लेके और कराची को लेके, किसी दौर में आप शायद जानते होंगे कि ये एक ही थे, आज वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है, यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है, क्या डिफरेंस देखते हैं आप? डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे ना होने के बराबर है। ठीक है, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ही मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ज़ाहिर है कि जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काबिल ही नहीं छोड़ा इन्होंने, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं रिपेयर किया। ठीक है, तो सब डेवलपमेंट तो जब होगी जब इंटरेस्ट लिया जाएगा इसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कोशिश की जाएगी पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करने की। ठीक है, मुंबई में क्या आप समझते हैं कि डेवलपमेंट हुई है? मुंबई तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो टीवी वगैरह पे देखा है तो उधर हो सकता है कि डेवलपमेंट बेहतर हो। हाँ, ठीक है, तो लाहौर के अलबत्ता मुझे कंफर्म है पता, क्योंकि जाते रहते हैं, लाहौर नो डाउट कराची से कहीं ज्यादा आगे तरक्की के अंदर है। ऐसा ही है, ये चीज की तो मैं भी गारंटी देता हूँ। खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो काफी हद तक बेहतर नजर आता है। अच्छा सर, ये बताएं यहाँ पे अगर एवरेज लैंड की बात करें क्या प्लॉट का रेट चलता है एवरेज? मतलब जैसे हमारे लाहौर में एक एवरेज चलता है किसी भी टाउन में या किसी भी एरिया में, यहाँ पे क्या रेट? यहाँ तकरीबन लाहौर से डबल है। अच्छा जी, तो उसकी क्या रीज़न है? मतलब रेट लाहौर से डबल है, रोड्स उस लाहौर जैसी है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इवन अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, मैं आप बसें देख के हैरान हुआ हूँ कि लाहौर में तो ऐसी बस मैंने कभी शायद बचपन में भी ना देखी हो। असल रीज़न ये है कि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है जी, और पब्लिक को रहने के लिए जगह चाहिए। मजीद आबादी बढ़ी जा रही है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं कराची जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए,
मजदूर बहुत आते हैं यहाँ पे, गरीबों की माँ कहा जा सकता है। और एक जमाना था कि कराची बड़ा सस्ता शहर हुआ करता था, ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि गरीब को भी खाना खाने के लिए कम से कम 600-700 रुपए चाहिए, बिल्कुल। वो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगा के 600-700 का खाना खा जाता है, बचेगा क्या बेचारे को, बच्चों को क्या खिलाया और घर क्या भेजे, ऐसे ही है। तो मामला तो इसलिए ज्यादा खराब है कि यहाँ पे नॉर्मली जो है पब्लिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बनाने के बजाय मजीद गिराया जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे तमाम कल्चर के लोग, बहुत मजाहिब के लोग, हिंदू बड़ी तादाद में मैंने यहाँ पे देखे। अभी क्लिफ्टन गया, वहाँ पे मंदिर देखा, मंदिर की कंडीशन कुछ बुरी हालत में भी हैं। इवन एक मंदिर को रिसेंटली डिमोलिश किया गया, जिसके हवाले से हम बात भी करते नजर आ रहे हैं। क्या मिलजुल के रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या यहाँ पे आपको फसादात या कुछ इस तरह से होते नजर? नहीं, इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं है कराची में, ठीक है। कराची में एथनिक डिवाइड नहीं है इतना ज्यादा, है कहीं बाज़ इलाकों में छोटा मोटा हो सकता है, होते हैं वो दोनों कम्युनिटीज या तीनों कम्युनिटीज के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फसादात नहीं होते, ठीक है। इश्यूज पे बहस। अगर हम आपसे पूछें कि कराची के लोग इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, लाइक अगर मैं पूछूं कि इंडिया के कल्चर के हवाले से, इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से, तो आप क्या 1-2-3 लाइन में क्या आंसर करेंगे? उनका कल्चर उनके मजहब के हिसाब से है, ठीक है। और वो ज्यादातर नाच गाने और तफरीहात के अंदर उनका ज्यादा मतलब इश्यूज होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा कल्चर हमारे मुस्लिम माशरे के हिसाब से है, हाँ, इसमें थोड़ी सी डिवाइड ये आ गई है कि अब लोग जो बाहर से आते हैं, यूरोप वगैरह से, अमेरिका से, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वहाँ के हिसाब से है और वो उस स्टाइल का कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ की देखे देखे भी कुछ लोग जो है वो उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कराची में स्पेशली 70-80% जो है लोग हैं वो यहीं के लोकल कल्चर के हिसाब से रहते हैं, इसी लोकल। और डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें तो क्या कहेंगे इंडिया? डेवलपमेंट तो ना होने के बराबर है, इंडिया या दूसरे जितने भी ममालिक आस पड़ोस के हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा तरक्की इसीलिए कर गए हैं। हाँ, लाहौर इस्लामाबाद छोड़ के बाकी शहर जितने भी हैं वो बेचारे डिप्राइव्ड हैं, उनके साथ बराबरी का सलूक। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और मतलब जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी में, आईटी में, एजुकेशन सिस्टम में खुद को डेवलप कर रहे हैं, अपनी करेंसी को कितना बेहतर कर चुके हैं, क्या रीज़न समझते हैं कि 1947 में जो मतलब ये है कि पहले तो मैं ये लाहौर में ओपिनियन लेता था, लेकिन कराची के लोगों की सोच भी जानना चाहता हूँ, क्या सोचते हैं कि क्यों हम इतने सालों में, और पाकिस्तान बनाया किस लिए गया था कि भाई मुसलमान आज़ादी से रहें और खुद को आगे पूरी दुनिया में एक नाम बनाएं, लेकिन ये तो हम उल्टा बैक गए। पाकिस्तान बना तो इस्लाम के नाम पे था, लेकिन यहाँ पे इस्लामी कवानीन कोई नहीं है, कोई नहीं है। ज़्यादातर वही इंडिया वाले कवानीन जो है यहाँ पे नाफिज हैं। हमारा जो आईन बनाया गया, हाँ, उसके अंदर भी 90% चीज़ें जो वो सेकुलर हैं। इनफैक्ट यूरोप, अमेरिका और इंडिया के जो कवानीन हैं वो 90% पाकिस्तान के कानून में हैं। कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट कवानीन की तरफ हुई, जितनी भी मजहबी कम्यूनिटीज़ रहती हैं सबको पूरी आज़ादी है। अच्छा। और मैंने नहीं ये महसूस किया कि कहीं पे भी हमारे यहाँ चलते फिरते आपको नजर आ जाएगा कोई भी हिंदू जा रहा होगा, कोई सिख, कोई ईसाई जा रहा है, तो यहाँ पे कोई इसको डिफरेंशिएट नहीं करते, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में कभी कराची का नाम था बिजनेस के हवाले से, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे लीडर हैं, कुछ डॉलर्स के लिए, कुछ बिलियन, कुछ मिलियन डॉलर्स के लिए कभी IMF के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, हम अपने ही घर में, अपने ही इन सिटीज़ को, कराची हो गया या इस तरह के जितने भी सिटीज़ हैं, इनके ऊपर अगर फोकस करें, स्टील मिल के ऊपर फोकस करें, तो आपको लगता है कि हमें कहीं किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, असल में बराबरी नहीं है। कराची वाले पूरे पाकिस्तान का 65-70% जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कराची के ऊपर 10% भी नहीं लगता। सूबे को मिलता है पैसा, सूबे के पैसे के अंदर कराची को बराबर का इतना हिस्सा मिलता है जितने दूसरे शहर को मिलता है, जैसे सखर वगैरह, लाड़काना वगैरह को मिलता है। तो कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ की 3 करोड़ के लगभग आबादी हो चुकी है, 3 करोड़। और ऐसे कई कंट्रीज हैं, ऐसे कई स्टेट्स हैं जिनकी आबादी शायद कराची से कम है, जिनका रकबा, जिनका एरिया शायद कराची से कम होगा, जी बड़ी डेवलप्ड है वो। उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने फोकस किया है कि जो जो शहर या जो कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादा टैक्स प्रोड्यूस करती हैं, उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, यहाँ इंसेंटिव कोई नहीं देता, ठीक है। यहाँ उल्टा है, पाकिस्तान कराची के लोग टैक्स दे रहे हैं लेकिन इनको इंसेंटिव कोई नहीं है। लाहौर से जितना टैक्स इकट्ठा होता है उससे 3 गुना ज़्यादा लाहौर पर खर्च करते हैं, ठीक हो गया। कराची से जितना टैक्स जमा होता है उसका 10% भी खर्च नहीं होता कराची पर, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। कराची को इसमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो शहर ज़्यादा टैक्स दे रहा है
उसके ऊपर स्पेंडिंग भी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और इससे फायदा कराची का सिर्फ नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा। इवन जो हम बिल्डिंग यहाँ से अगर दूसरे फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टर आते हैं तो ये बिल्डिंग अभी जिस एरिया में मौजूद हूँ फिर कुछ बेहतर है। अगर हम सदर वाली साइड पे जाएं, अगर हम वो थोड़ा वो दूसरा अंदरून वाली साइड पे जाएं, हम वहाँ पे देखते हैं कि वो खंडर नुमा बिल्डिंग्स हैं जो देखने के लायक नहीं है, मतलब देख के डर लगता है कि अभी ना नीचे गिर जाए। असल में यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बने हुए हैं, उनको फॉलो नहीं किया जाता। जैसे ये बिल्डिंग्स जो हैं ये यहाँ पे स्पेशली क्लिफ्टन वगैरह के एरियाज में ज़्यादा बेहतर कंडीशन में, ऐसे ही है। दूसरे एरियाज में नॉर्थ हैदराबाद वगैरह में, फेडरल एरिया वगैरह में बिल्डिंग्स तो बड़ी अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन है। उनकी पेंट वगैरह और बाकी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वो अगर ध्यान दिया जाएगा तो देखने के अंदर ये ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। प्लांटेशन पे ध्यान नहीं है, प्लांटेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए कराची में, प्लांट्स ना होने के बराबर है। और इवन बाइक्स मैंने देखी हैं जो जिस कंडीशन में मैंने देखी हैं, मैं हैरान रह गया हूँ। और दूसरे नंबर पे ये बताइएगा कि अगर कराची की सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात करें तो कौन सी बिल्डिंग है? बहरिया आइकन। बहरिया आइकन, बहरिया आइकन सबसे ऊंची बिल्डिंग है। मैंने शायद सुना था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में, लेकिन शायद बनी नहीं है। वो बनेगी तो फिर उसके बाद हो जाएगी, अभी तक तो बहरिया आइकन ही सबसे ऊंची है। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ी चीजें थी जो आपके साथ डिस्कस की, कराची के लोगों की ओपिनियन। आइए मजीद लोगों से जानते हैं, यूथ जो यहाँ की है वो क्या राय रखती है, ओपिनियन रखती है, उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। क्या करते हैं उमर भाई? मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और मैं टेक्सटाइल मिल में काम करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, हम बेसिकली लाहौर से आए हैं, सोशल मीडिया पे हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे रियल टीवी के नाम से, और हम कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का डेवलपमेंट के हवाले से, खासतौर पे हम बात करते हैं कराची की। अगर हिस्ट्री की बात करें, आपको आइडिया होगा कि कभी कराची और मुंबई एक ही एरिया था, एक ही था। आज आप क्या समझते हैं कराची डेवलपमेंट के हवाले से कहाँ खड़ा है और मुंबई डेवलपमेंट के हवाले से कहाँ खड़ा है? नहीं, डेवलपमेंट के हिसाब से तो भाई मुंबई तो बहुत काफ़ी ही आगे है। ठीक है। बेसिक जो प्रॉब्लम कराची की जो है ना, वो इशू है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक हो गया। या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इशू है, कि प्रॉब्लम ये होती है कि जो यहाँ का क्राउड जो है आवाम, जिसको ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, बस सर्विस का प्रॉब्लम है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तकरीबन कह सकते हैं 3 करोड़ तक आबादी पहुंच के लोग कहते हैं। ठीक है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है कि भाई कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मुझे अगर लांडी जाना है, मैं मेरी वहाँ इंडस्ट्री है, तो बहुत प्रॉब्लम है जाने की। ठीक हो गया। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। हमने पाकिस्तान इसलिए बड़ों ने बनाया कि भाई यहाँ पे हम आज़ादी से रह सकेंगे, बेहतरी से, मजीद डेवलपमेंट। मतलब हम मिलके शायद काम नहीं कर पा रहे तो हम अपनी मर्जी से मुसलमान या इस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट की तरफ जाने के बजाय आपको लगता है कि हम पीछे थोड़ा सा हो गए हैं, और दूसरे अगर बात करें मुंबई की या इंडिया की, वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ चले गए हैं। वो तो बहुत ही आगे निकल गए, उनका तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं खुद ही देख रहा था दिल्ली में, मुंबई में उनका ट्रेन स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इंटरसिटी जो है या इंटरनल भी ऐसा है कि अगर मैं इस एरिया में ट्रेन बैठता हूँ तो थोड़ी देर में आगे पहुँच जाऊँगा टूवर्ड्स शारा फैसल या टूवर्ड्स नाजमाबाद या नॉर्थ कराची। ठीक है। वो सिस्टम तो बहुत ही इनका अच्छा है। नहीं तो अगर रेलवे सिस्टम की बात करें, इवन ट्रेन्स की बात करें, 1947 में उन्हें भी वैसी ही ट्रेन्स मिली जो हमें मिली। रेलवे सिस्टम, रेलवे ट्रैक भी उन्हें वही मिला है, ये एक था तो वही डिवाइड हुआ ना। नहीं, उनका ये मुझे ऐसा लगता है उन्हें प्लानिंग पे काफ़ी ध्यान दिया, मतलब अच्छा। कि उनने कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को हायर किया, उनसे हेल्प ली, इंजीनियर से हेल्प ली, कैसे सिटी को बनाया जाए, कहाँ ट्रेन सिस्टम होना चाहिए, कहाँ बस सर्विस चलनी चाहिए। ठीक है। किससे कितना रिसर्व होता है, मुझे समटाइम ऐसा भी नोट किया है कि भाई कुछ ब्रिजेस लोग ऐसे खड़े कर देते हैं इससे आसपास लोगों को भाई पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे। पाकिस्तान की अगर बात करें, कराची की बात, कराची की स्पेशली बात करूँ, अभी मैं कराची की बात अगर बात करें ओवरऑल इंडिया के, आप अभी तो मुंबई और जो है कराची की डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही थी, ओवरऑल अगर बात करें वो 5वीं बड़ी इकानमी बन गए हैं, और हम जो है अपनी इकानमी को स्टेबल करने के लिए कभी IMF के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, वो मिशन मून जो है वो लॉन्च करते हैं, और हम यहाँ पे मतलब मिशन मून तो क्या एक बड़ा फ्लैग जो है वो बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। सोच में फ़र्क आ गया है या फिर हमारे पॉलिटिशियंस में फ़र्क है या पब्लिक में ही फ़र्क है? सोच में भी फ़र्क है और पॉलिटिशियन का भी कह सकते हैं फैक्टर, आवाम का भी फैक्टर है। ठीक है। समटाइम आवाम भी अगर सफाई सुथरा ख्याल नहीं रखेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी?